श्री श्याम के तत्वाधान में 4 दिवसीय श्री श्याम जन्मोत्सव नीमच नरेश के दरबार में मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रथम दिवस जन्मोत्सव के आगाज में रिंगस से खाटू श्याम की जय से एक निशान नीमच नरेश के नाम कार्यक्रम 21 नवंबर को होगा। इस अवसर पर एक यात्रा बालाजी मंदिर नयागांव से शुरू होकर तिलक मार्ग स्थित नीमच नरेश के दरबार में हजारों प्रेमियों के साथ नगर भ्रमण करते हुए पहुंचेगी। वहीं यात्रा में भाग लेने के लिए अभी से ही अनेकों प्रेमियों ने निशान पंजन कराना शुरू कर दिया है। दूसरे दिन 22 नवंबर को रात 10 बजे से मंदिर में शाम प्रेमियों के साथ बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य आतिशबाजी की जाएगी। तीसरे दिन 23 नवंबर देव उठनी एकादशी पर मंदिर परिसर में बाबा का बहुत ही प्यारा शाही जन्मोत्सव श्रृंगार किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर में दिल्ली के कारीगरों द्वारा बहुत ही सुंदर फूलों का महल बनाया जाएगा। महाआरती के बाद बाबा का भव्य कीर्तन साजिंदों सहित किया जाएगा। अंतिम चौथे दिन 24 नवंबर को प्रातः आरती के बाद मंदिर परिसर में बाबा की पावन ज्योत ली जाएगी। बाबा श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है नीमच श्याम मंदिर के अंदर। इसके अंतर्गत कल 21 तारीख को भव्य निशान यात्रा निकाली जाएगी। नया गांव से नीमच से 18 किलोमीटर पैदल यात्रा रहेगी, जिसके अंदर सभी पदयात्री निशान लेकर के चलेंगे और कम से कम भी 250 से 300 निशान पदयात्री रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर शाम को नीमच के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई यात्रा आएगी और रात्रि को 8 बजे करीब यहाँ पर समापन होगा यात्रा का। तत्पश्चात सभी पदयात्रियों को भोजन कराया जाएगा और उसके बाद निशान बाबा को अर्पण किए जाएंगे। उसके बाद अगले दिन कभी बताऊँ, उसके बाद 22 तारीख को बाबा का मंदिर सजेगा फूलों से। फूलों का बंगला जो हम बनाना चाह रहे हैं तो वो बाहर के कारीगरों द्वारा बाबा का फूलों का बंगला बनाया जाएगा और रात्रि में बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात्रि में केक काटा जाएगा और महाआरती की जाएगी। और 23 तारीख को जो मुख्य 11 है उस दिन सुबह से ही मंदिर में बहुत ही आकर्षक साज सज्जा की गई है भक्तों के दर्शन हेतु, और बाबा को दिल्ली में फूलों से श्रृंगार किया जाएगा और संध्या में भव्य ताली गठन किया जाएगा। खाने नीमच से पवनराव शिंदे की रिपोर्ट।